नारसिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ दरगाह हजरत असदुल्ला शाह कादरी नेकनामपुर के सर्वे 61 और 63 की वक्फा राजी पर नाजायज कब्जे से 400 साल कदीम बौली को रातों रात तोड़कर प्लॉट में तब्दील कर दिया गया। वक्फ बोर्ड की गफलत जाहिर होती है। मुकामी वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो वक्तन फवक्तन इंस्पेक्शन करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन को रिपोर्ट दें। ताहम दरगाह हजरत असदुल्ला शाह कादरी के मुतवली का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा वक्फ अराजी पर कब्जे से मुतलिक वक्फ ऑफिसर को इतला दी, लेकिन कोई मुस्बित इकदाम नहीं किया गया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान को चाहिए कि वो वहां का दौरा करें और वक्फ प्रॉपर्टी को लैंड ग्रैबर्स से बचाएं। आइए सुनते हैं सारी तफसील दरगाह असदुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतवली सैयद सुल्तान मोहियुद्दीन शाह कादरी का क्या कहना है। मैं सैयद सुल्तान मोहियुद्दीन शाह कादरी मुतवली हजरत दरगाह सैयद असदुल्ला शाह कादरी का मुतवली हूँ। यहाँ के कुछ हालात इस चैनल पे आकर बयान दे रहा हूँ कि ज़मीनों का इंक्रूजमेंट 1996 से इंक्रूजमेंट है, वो सीबीआई वाले इंक्वायरी के लिए मेरे को कॉपरेट करें। मैं पूरे तरीके से उन लोगों को बताया हूँ कि ये जो जो ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 61 पे 4 एकड़ 14 गुंटे है, 14 तो पूरी ज़मीन इंक्रूजमेंट है वो ज़मीन, और उसके अंदर समझ लो एक बौली 400 साल बौली। मैं हाईकोर्ट में उसका आर्डर लेकर समझ लो कमिश्नर वगैरह को दरख्वास्तें दिया कि ये ज़मीन जो है एक लैंड ग्रामर समझ लो इसको मूझने की कोशिश में है, इसको रुकाइए बोलकर दरख्वास्तें दिया। लेकिन रातें रात समझ लो 13 तारीख की रात को पूरी तरीके से ज़मीन वो बौली को मूझ दिया गया। उसके पूरे रिकॉर्ड समझ लो वो कमिश्नर पुलिस कमिश्नर बल्दिया कमिश्नर और सर्कल इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड पूरों को इतला दिया हूँ, जिसमें वक्फ मोहम्मद गौस साहब कॉपरेट करे दरख्वास्त वगैरह के ताल्लुक से। दरख्वास्त हम समझ लो सब लोगों को देने के बावजूद भी अब वो काम तो बौड़ी तो बंद हो चुकी, अब हम उसको नोटिस दिए हैं कि ये ज़मीन समझ लो खोद कर देखे, ये 400 साल बौड़ी है और ये लोग लैंड ग्रामर से उसको ज़मीन को बेच देना चाह रहे हैं कि वो 61 और 63 के अंदर वो बौड़ी दोनों नंबरों के अंदर वो बौड़ी थी। मैं बोला कौन सी भी रहने दो, आसार कदीमा है, ये 400 साल पुरानी बौड़ी है, ये बौड़ी को जिस अंदाज से है वही अंदाज से रहना बोलकर मैंने पूरी कोशिश किया, लेकिन लोग जो है इसको मूझ दिए हैं। उसके FIR-ों के अंदर नाम दर्ज है कि 5 नाम समझ लो दिए हैं कि ये बौड़ी बंद करने के अंदर ये लोग थे, और इसका पूरा इंक्वायरी किया जाए। और जो है मेरा मुतालबा वक्फ बोर्ड से ये है कि मैं हर बात भी वक्फ इंस्पेक्टर के इतला में रात के या 24 घंटे के अंदर जब भी ज़रूरत पड़ी मैं उनको फ़ोन से इतला किया हूँ और पूरे रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, और मैं दरख्वास्तें दिया वो भी दरख्वास्तें मेरे पास मौजूद है कि अब जितने भी ज़मीन सर्वे नंबर 63 बोलकर 61 को समझ लो फरोख्त किया गया, सेल डीडा हुए, ये सेल डीडा कैंसिल होना बोलकर मैं भी बोला कि ये जितने भी रजिस्ट्रियां हुए हैं उसके ऊपर कैंसिल करो, रजिस्ट्रियां कैंसिल करो, वक्फ की जायदाद है, वक्फ की जायदाद को पूरे तरीके से हिफाजत की जाए। और मेरे कंट्रोल में जब मैं मुतवली बना 2009 में तो सिर्फ मेरे को 1 एकड़ का रकबा मैं जहाँ तक हो सके वो बचाया, वो आज भी मौजूद है, बाकी के पूरी ज़मीन इंक्रूजमेंट में है। और महल जो है खाली एंट्री है वक्फ में, महल हवेली बोलकर, अब वो हवेली 7 एकड़ 23 गुंटे पे है, अब वो केस वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है इंशाल्लाह, उसको भी हम ये बोल रहे हैं कि भाई पूरी ज़मीन वो वक्फ है, तो तकरीबन उसका एरिया का रकबा 15 एकड़ का रकबा होता है ये पूरी ज़मीन, अगर महल और सर्वे नंबर 52 में 2 एकड़ 5 गुंटे है, सर्वे नंबर 61 में 4 एकड़ 14 गुंटे है, और इब्राहिम बाग के अंदर सर्वे नंबर 166 25 गुंटे है, ये भी इंक्रूजमेंट में है, अब इसके लिए भी हम लड़ रहे हैं इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके।
अवाम उन्नास से मेरी ये गुजारिश है, वहां पर प्लाटिंग करके लोग जो है फरोख कर रहे हैं, ये वक्फ के किराएदार बनेंगे, आप ले लो, सब लीज़डीड बोल के समझ लो, किराए नामे वगैरह सब कब्जे हो चुके, ये सब मामले समझ लो, कोई भी कई दरखास्तें देने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा, तो फिर मैं यानी एक मायूस हो गया कि भाई ये काम, मैं मुतवली रहने के बावजूद, मैं दरखास्तें देने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं वक्फ बोर्ड से, चेयरमैन साहब से मैं ये गुजारिश करता हूं कि ये जमीन का पूरा इंक्वायरी किया जाए, और जो जो भी इंक्रोचमेंट में है, जो जो भी चोर हैं, उनको सजा दी जाए। सारा में एक बात करते हैं, बातिनी में एक तरीके से सौदे करते हैं ये लोग, जो भी है पूरे तरीके से। सीबीआई वालों को भी मैं यही बोला हूं कि आप लोग पूरा इंक्वायरी कीजिए साहब, ये जैस जो भी चीज है, जमीन जो है इसको बचाइए। मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूं, जो जो भी मैं मोहम्मद गौस साहब इंस्पेक्टर को मैंने जो इत्तला दिया हूं, उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं। सामने समझ लो रुक रहा है मामला, बाद में उन्होंने जाने के संगत ही काम चालू हो जा रहा, ये कामों को रोका जाए, और पूरा जब तक के सर्वे नंबर 63 है तो 63 में काम करने दो, 61 में सर्वे नंबर 63 बोलकर 61 पे काम हो रहा है, ये गलत है, इसका पूरे तरीके से आप लोग आप इंक्वायरी कराइए और इसको रुकाइए। और लोग ले रहे हैं वो, उसको मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग ये प्लाटें मत खरीदिए, ये समझ लो वक्फ की जायदाद है, ये वक्फ जायदाद को लोग जो है पट्टे बनाकर बेचे हैं, इसको कोर्टों में भी चैलेंज किया जाना चाहिए, और हम लोग जहां तक हो सके वक्फ बोर्ड को पूरे तरीके से इत्तला दे रहे हैं इसकी, जिसका नाम मोहम्मद गौस साहब हमारे एरिया के इंस्पेक्टर है, उनको हम जो भी बात है वो इत्तला दिए हैं, और आपसे मेरी गुजारिश है कि ये पूरा इंक्वायरी करके काम को रुकाइए और दरगाह की जमीन का तहफूज किया जाए।